भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वही फैसले की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सतत प्रयासों सतत मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधानसभा के बाद मंत्रिमंडल की एक चिंतन बैठक भोपाल की बार होगी। वही कैबिनेट में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में लाभान्वित करने 10 लाख की राशि बढ़ाकर 15 लाख की गई, जबकि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर करने का अनुमोदन किया गया। समस्त प्रभारी मंत्री अपने जिले की समीक्षा तीसरी वेव को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की करें, अस्पतालों का निरीक्षण करें, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन ब्लड, ऑक्सीजन लाइन, वेंटिलेटर, कंसल्टेटर, इन सभी विषयों की जो इमरजेंसी सेवाओं में आती है उन सब की वो समीक्षा करें। सेकेंड डोज 70% के आसपास संपूर्ण मध्य प्रदेश की हो गई है, फिर भी कल से महाअभियान सेकेंड डोज का चलेगा। छिंदवाड़ा के अंदर जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है उसका नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किए जाने का आज तय किया है। ये आपको ध्यान होगा 18 सितंबर में इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। ग्वालियर के अंदर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए आज लोहारपुर तहसील मुरार जिला ग्वालियर के स्थित पार्ट ए कुल 13, पार्ट की बी कुल बिता 4 एवं पार्ट सी कुल बिता 46, इस प्रकार कुल 63 कुल रकबा 57.952 हेक्टर शासकीय भूमि शून्य प्रव्याजी एवं 1 रुपया वार्षिक भू आवंटन पर देने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों के अंदर लोग रहते हैं उन सभी को अभी तक 10 लाख रुपए जो विस्थापन होता था उसके दिए जाते थे, अब उसे एक साथ बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे 2 लाभ बड़े हैं। एक तो वन क्षेत्र को लाभ मिलेगा इससे, दूसरा वो जो दूरस्थ अंचलों में जो रहते थे उनका जीवन भी सुरक्षित हो। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।